हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, लेट वाई एक्स बराबर यू एक्स साइन एक्स प्लस वी एक्स कॉस एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स देन यू एक्स इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास पूछे जाते हैं तो ऑप्शन दिए हुए होते हैं। इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिए हुए, लेकिन मैंने उनका लिखा नहीं, क्योंकि हमें सोल्यूशन करना सीखना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम पहले इसका सीएफ निकालेंगे, सॉल्यूशन। अगर सीएफ निकालनी है तो पहले एक्सेलरेटेड इक्वेशन लिखेंगे। एक्सेलरेटेड इक्वेशन क्या होगी इसकी, यहां से एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो गया हमारे पास एम बराबर प्लस माइनस आयोटा। तो सीएफ लिख सकते हैं हम यहां से सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास इसका सीएफ। अब फिर जब सी एफ हो गया तो अब लेट u बराबर cos x एंड v बराबर sin x, तो उसका कंडीशन हो गया u बराबर cos x ले लें, v बराबर sin x। फ्रेंड्स, यहां पे यू एक्स वाला u नहीं है, ये अलग है, u एंड v बराबर ये ले लें। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इसका रोन्सकियन होगा, रोन्सकियन निकाला है, तो वो होगा हमारे पास u v u डैश v डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं हम cos x sin x माइनस sin x cos x, ये हो गया। तो cos स्क्वायर x और ये प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन इस मेथड से निकाल सकते हैं, जब क्योंकि नॉन इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं। तो अगर ये जोन्स के नॉन इक्वल टू 0 है, अब इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन होगा हमारे पास u बराबर cos x cos x एफ एक्स प्लस साइन एक्स जी एक्स, जहां पे f और g कोई फंक्शन है जिनको हमें अभी निकालना है। तो फ्रेंड्स, अगर एफ एक्स और cos x निकालना है तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस वी आर अपॉन ओमेगा, यानी रोन्सकियन जो था, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेट विद डीएक्स। तो ये एफ एक्स बराबर हो गया। तो एफ एक्स बराबर यहां से हम लिख सकते हैं माइनस वी, वी क्या है हमारे पास यू, यू, यू ये है और वी साइन था, यू ये था सॉल्यूशन ये वाई बराबर u एंड v, तो ये sin x जो हमने पहले माना था u और v वही है, ये हो sin x r, r जो राइट हैंड साइड में है यानी sec x अपॉन w, w की वैल्यू जो क्या आई थी 1 आई थी, ये हो गया dx, तो इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन ये cos x एंड tan x dx बराबर। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग सेक एक्स, या इसको लिख सकते हैं हम लॉग कॉस एक्स, क्योंकि जब माइनस में चले जाएंगे तो वन अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, वन अपॉन सेक एक्स को कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास एफ एक्स। अब फ्रेंड्स, अगर जी एक्स निकालना है तो जी एक्स बराबर होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ यू आर अपॉन डब्ल्यू, यहां नेगेटिव साइन नहीं होता जी एक्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू जो है वो हमारे पास साइन एक्स, सॉरी यू जो है वो कोस एक्स, ये हो गया कोस एक्स डॉट डब्ल्यू जो है वन और आर जो है सेक एक्स, सेक एक्स डी एक्स, तो ये हो गया हमारे पास कोस एक्स डॉट सेक एक्स वन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओनली डी एक्स का आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो गया हमारे पास। फ्रेंड्स, अब अगर हम दोनों को लिखना चाहें सोल्यूशन को, सी ए प्लस पी आई लिखना चाहें, तो सोल्यूशन को हम लिख सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x, ये तो cf था, और pi जो था वो आया हमारे पास cos x डॉट fx, fx क्या है हमारे पास ये वाली टर्म log cos x, तो ये हो गया हमारे पास, ये नीचे आया था, ये नीचे वाली टर्म में, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस cos x cos x और log cos x,
एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन एक्स डॉट एक्स, यानी साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू जो आई वो एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमें चाहिए क्या, हमारे पास पूछा गया यू एक्स डॉट साइन एक्स, यानी साइन एक्स कॉमन लेना है हमें, तब हमारे पास जो अंदर जो साइन एक्स कॉमन लेने के बाद जो बचे वो टर्म, तो साइन एक्स यहां से कॉमन ले तो सी टू, और यहां से ले तो सी टू प्लस एक्स साइन एक्स, और अगर कोस एक्स कॉमन ले जिसको हमें जरूरत नहीं है सी वन प्लस लॉग कोस एक्स डॉट कोस एक्स। हमें पूछा गया है यू एक्स की वैल्यू, यू एक्स इज इक्वल टू, यू एक्स की वैल्यू जो है वो सी टू प्लस एक्स, तो यहां से हमारे पास यू एक्स बराबर आ गया सी टू प्लस एक्स। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरह से हम कर सकते हैं ये देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।